गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शिवी फैशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसी अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आप ना ब्रेड का यूज़ करेंगे ना कुछ, फिर भी सैंडविच बनेंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने साबूदाने को रात को भिगा दिया है, एक कटोरा साबूदाना, और उसको मैं भिगा के उसका पानी निचोड़ दूँगी और साइड में रख दूँगी। और उसके बाद मैं मूँगफली के दाने तल लूँगी, और मूँगफली के दाने तलने के बाद उसको हम बारीक कूट लेंगे या जार में पीस लेंगे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, और ये आलू मैंने उबाल के दोनों बराबर मात्रा में, साबूदाना और आलू दोनों बराबर मात्रा में उबाल के और कद्दूकस करके और इसमें हम मिक्स कर लेंगे साबूदाने के साथ। और इसमें नमक डालेंगे और हम अच्छे से मिक्स करने के बाद, देखिए लोई बना ली है मैंने एक, और उसको मैं सैंडविच मेकर जो है उसमें फैला दूँगी अच्छे से। और उसको फैलाने के बाद अब हम इसमें सब्जियाँ लगाएंगे, जैसे अब मैंने तो टमाटर का स्लाइस लगाने जा रही हूँ, और टमाटर प्याज आपको जो करें, जो आपके पास हो सब्जियां आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैंने इस तरह से ये फैला लिया है सैंडविच मेकर में। और अब इसके बाद मैं पतले पतले स्लाइस टमाटर के इस पर लगाऊंगी, और अब प्याज का स्लाइस लगाऊंगी। और इसके बाद मुझे ये सैंडविच बहुत पसंद आया, मैं और सक और ब्रेड ब्रेड वाला कोई सैंडविच पसंद नहीं करती, मुझे बहुत पसंद है ये। और देखिए ये मैं इस पर प्याज की स्लाइस लगा दी है। अब मैं चीज़ स्लाइस लगाऊंगी, और इसके बाद चीज़ स्लाइस के बाद मैं इस पर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो ये इस पर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, छिड़क दूँगी। देखिए इस तरह से मैं इस पे डालूँगी, मुझे ओरिगेनो का फ्लेवर बहुत पसंद है, उसकी खुशबू बहुत पसंद है। और आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है पता नहीं। अब देखिए दूसरी लोई मैं इस पे रखूँगी, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको किस तरह का मतलब फूड पसंद है, किस तरह का चाइनीज़ या वो, तो मैं उस हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँ। तो अब मैं इसकी मैंने दूसरी लोई इस पे लगा के इस पे कवर कर दी है। और इसके बाद मैं इस पे घी डाल दूँगी और दोनों साइड से अच्छे से सेकूँगी। और इसको सेकने में 15 से 20 मिनट लगते हैं बहुत हल्की आग पे ही। देखिए कितना अच्छा बना है, और ये जितना दिख रहा है ना उससे भी 100 गुना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। तो इसके बाद हम इसको दोनों साइड से हल्की आंच पर इसको सेक लेंगे 20 मिनट तक। और देखिए चीज़ का देखिए कैसा दिख रही है चीज़ अंदर से, वाओ इतना टेस्टी बना था। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।